ओए ओए ओए, ये क्या कर रही हो? ओए वो देखो जरा कितनी ऊपर चली गई है। नीचे आ, चल जल्दी कर, नीचे हो। यार अच्छी खासी गर्मी है आज, सर्दियों वाली वाइब भी नहीं आ रही। आज लोगों को मैं घर जाकर बताता हूँ। ये कंप्लीट उसका हमें मिल गया, ये उसका इंस्टीट्यूट है बिल्कुल चांद के नीचे। खैर बाकी इसका बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। छोटा सा इंट्रो करते हैं, बाबा बाहर खड़े हैं तो अभी हमें जाना है। अभी पहले हुज़ैफ़ा को लेना है, उसके बाद कोई आज तीन चार काम है वो ख़त्म करने हैं। मैं सोया हुआ था, मुझे इन्होंने उठाया कि आओ ज़रा थोड़े बहुत काम है। हुज़ैफ़ा को अभी लेने जा रहे हैं, उसके बाद काम है, फटाफट बाहर चलते हैं। बाबा बाहर खड़े हैं, ये ना हो कि ज़लालत हो जाए हैवी वाली। उफ़ गर्मी गर्मी शदीद, सूरज देखो ज़रा। तो यार हम लोग ये लाइटों की शॉप पे आए हैं, घर के लिए कुछ लाइटें वगैरह चाहिए थी। ये तुम लोग चेक करो यार, क्या लेवल की जगह है, कितनी कमाल की लग रही है। ये बाबा खड़े लाइटें ले रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि यार इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की लाइटें हैं, हम लोग और देखते हैं कोई अच्छी अच्छी। ये चेक करो यार, बहुत लेवल है, इसको देखो ज़रा। इसके आगे तो मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। हमें जो लाइट चाहिए वो इस टाइप की है, क्योंकि हमने जो घर के बाहर जगह है ना, फ्रंट जिसके घर है उस पर हमने ये लाइट्स लगानी है। लेकिन हमें इसके अंदर कोई मिल नहीं रही, किसी और शॉप से चेक करते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो नहीं है। ये वो लगा हुआ है जो हमारे डबल हाइटेड लॉबी के अंदर लगा है। मैं बाबा को कह रहा था कि मुझे रूम के लिए वो ब्लैक कलर की लाइट्स लेके दे, ये जो लगी है। लेकिन कह रहे हैं कि तुमने क्या करनी है फजूल, कौन सी लेनी है, तो मिल गई इसके साथ की। वो तो कह रहा था है ही नहीं, ये वाली ले लें उसकी जगह, ये फिर ज़्यादा अच्छी है उससे। ये सिर्फ शामू स्टाइल ये शामू स्टाइल तो पहली दफ़ा ही हमने सुना शामू स्टाइल। कितने लिए क्या? सेवन पीस वो ले दें मुझे, वो ब्लैक वाली वो जो लगी है। तुम्हारा वो रोशन नहीं होगा इसमें, फिर किसमें होगा? लालटन भाई, बाबा ने हमारी सुथरी कर दी है थोड़ी सी। ये भाई आ गए हैं लेके, और भी हैं यार। अच्छी खासी गर्मी है आज, सर्दियों वाली वाइब भी नहीं आ रही, आने लगती है फिर गर्मी। ये धूप चेक करो, सर के ऊपर धूप चढ़ी हुई है। ये भाई सामने से आ रहे हैं, देखी जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगे देखी जाए। इसको चेक करो, ये अपनी मसरूफियत में। देखो यार चेक करो कितनी किस्म की लाइटें हज़ारों की तादाद में पड़ी हुई है। बंदा ऐसे कोई काम शाम शुरू कर ले, मेरे बड़ा पैसा है, बहुत पैसा है। चेक करो भाई शेख समोसे वाले अंकल, कितना समोसा बेच लेते हैं आप रोज़ का, हैं गिनती नहीं करते? कोई 5,000 बिक जाता है कि थोड़ा गिनती नहीं। तो चलो भाई हम लोगों ने समोसे भी ले लिए हैं। ये तुम लोग देखो समोसे आ गए, 80 रुपये का एक समोसा, 80 रुपये का। लेकिन हुज़ैफ़ा बख्शता नहीं है, फिर भी कहता है मैंने 3 समोसे खाने हैं, 80 रुपये का, फिर भी इसको 3 लेके देने पड़ते हैं। चलो यार हम लोग घर पहुंच गए हैं, फटाफट से अब अंदर चलते हैं। चल भाई, हाँ समोसे तेरे काम की चीज़ है, तू पकड़ ले सामान, पकड़ सारा सामान पकड़, मुझे ना कहीं ना मैंने पकड़ना है। पकड़ इधर आ सामान पकड़, बस बाकी नहीं लेके आना। चलो भाई चलें घर क्या। चलो भाई ये मैडम भी शुरू हो गई हमारे साथ ही, अभी हमें खाना खाया करेगी। हाँ जी भाई, और कुछ खाना है के बस। ओए ओए ओए, ये क्या कर रही हो? ओए वो देखो जरा कितनी ऊपर चली गई है, नीचे आ, चल जल्दी कर, नीचे हो, नीचे आ जा, आ जा, कहाँ चढ़ के गिर जाएगी, नहीं आना नीचे, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ओए चल 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 आ जा। आज मैं तुम लोग को एक राज दिखाने लगा हूँ, इस पर्दे के पीछे क्या छुपा हुआ है वो सब तुम लोग को आज मैं दिखाता हूँ। ये देखो जरा, ये छुपी हुई है इस पर्दे के पीछे, और नीचे आ। चल भाई इसको हम उतारते हैं, आजा आजा गिर ना जाए यार, डर लगा हुआ है कहीं पे गिर ना जाए। आजा आजा छलांग लगा ले,
ये आ गई आ गई आ गई आ गई ओए आजा ये क्या तुझे मसले हैं गिरना तो चलो यार घर आके मैंने नहा लिया रेडी शेडी हम लोग हो गए हैं। हल्की हल्की सी सर्दी है बेशक ये तुम लोग देखो बेशक धूप है लेकिन सर्दी थोड़ी थोड़ी सी है तो इस वजह से मैंने जर्सी पहन ली क्योंकि बाहर जाना है रात को सर्दी हो जाती है। तो अभी बेसिकली हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड पे। 3 महीने हो गए हमने एक बंदे को LCD दी हुई है अपनी सही होने के लिए, उसके अंदर कोई पैनल का इशू आ गया था हल्का फुल्का सा। तो आज 3 महीने गुजर के उसके पीछे पड़े हैं यार ठीक कर दो ठीक कर दो, वो बंदा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। तो खैर नए घर के अंदर तो सारी नई लगाई है, वो पुराने घर में एक लगी हुई थी लेकिन वो हमने तब नई ली थी तो इस वजह से उसको छोड़ा जा नहीं सकता। वैसे भी यार कैसे छोड़ सकते हैं अपनी चीज़। तो फाइनली 3-4 महीने के बाद हमारी LED रेडी हो गई है। तो अभी उसकी कॉल आई है कि आके पिक कर लो, तो बाबा अंदर से आ रहे हैं बस, इसलिए मैंने पहले पहले ही बना लिया। मैंने कहा ये ना हो कि बाद में आके मुझे बोले कि तुम अभी तक खड़े हो। तो बस चलते हैं मॉल रोड पे अपनी LCD लेते हैं उससे और उसके बाद आगे देखते क्या करते। तो वही हम लोग मॉल रोड पहुँच चुके हैं, ये तुम लोग देखो मॉल रोड फुल भाई रश, इतनी मुश्किल से पार्किंग मिली है, बाबा गाड़ी में ही बैठे हैं। तो मैं इधर से जा रहा हूँ LCD लेने, ये इधर से उसकी शॉप है, फटाफट से चलते हैं। अब तो यहाँ पर रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा किधर से जाना है। ओए होए होए चलो इधर बेसमेंट में शॉप है जाके देखते हैं, बाबा ही देखे बैठे, मैं तो पहली दफ़ा आ रहा हूँ यहाँ पर, मिल जाए शॉप की तरह। यार हम लोग पहुंच गए इधर सोनी का ऑफिशियल स्टोर है माल रोड में, ये बेसमेंट के नीचे ये सोनी का स्टोर है। तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ देर बैठो आपको देते हैं, पता नहीं कितनी देर इंतजार करना है, भाई वेट कर रहे हैं, उनका फ़ोन भी मेरे पास है, अजान भी शुरू हो गया है, कह रहे हैं कि बैठो अभी आपको बताते हैं। वो उधर ही बंदा, वो पहले कहता है कि स्लिप लेके आओ, ये पिक्चर है ना स्लिप की, तो पहले कह रहा था स्लिप लेके आओ, मैंने कहा 4 महीने हो गया आपको LCD दी हुई है तो स्लिप अब हमें नहीं पता किधर है। तो फिर कहता है बैठो रिसेप्शन पे आपको बताते हैं। यार जेन्युइन बात है माल रोड आना इतनी कोई बड़ी जलालत है ना, पहले आधा पौना घंटा लगा है हमें पार्किंग ढूंढने में, एक तो आने में इतना टाइम लग गया, घंटा लगा हमें मॉडल टाउन से माल रोड तक आने में, और आके कहते हैं जी आप स्लिप लेके आए, आपको 4 महीने हो गए यार, तूने LCD दी अब कहता है स्लिप लेके आओ। तो खैर अब बाबा खुद गए उससे बातचीत करते हैं, देते हैं उसकी ऐसी की तैसी। अब ये देखो जरा तुम लोग, गाड़ी के ऊपर लिखा है इमरान खान और उसने बंदे ने जिसने भी लिखा है कैसे डिजाइन से मिट्टी के ऊपर लिखा हुआ है, यार कमाल कर गया, शहजादा हीरो लगा। ये आ गई भाई हमारी LCD, हो गई ठीक, पीछे आके बैठ जाना सर। खैर रख दे इसको, क्या रखते हैं बस। यार हम लोग आजाद चाय वाला के इंस्टीट्यूट गए थे, वो डिटेल तुम लोग को मैं घर जाके बताता हूँ, ये कंप्लीट उसका हमें मिल गया, ये उसका इंस्टीट्यूट है बिल्कुल चांद के नीचे। खैर बाकी इसका बताता हूँ। तो यार हम लोग घर आ गए हैं, घर पहुँच गए फटाफट से जाके ना, अभी और बड़े काम है, अभी इजाफा को लेके आना है, सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होते, बंदा करे क्या। कुंडी की हालत चेक करो जरा, अच्छा अंदर को खोलना, चलो भाई आ जाओ चेक करो जरा यार, LCD पकड़ ली हमने, अब दरवाजा नहीं समझ आएगा कैसे खोलना है। चलो ओए 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 ए बच गई, शुक्र है। तो यार मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि हम लोग आज़ाद चाय वाला के इंस्टीट्यूट क्यों गए थे। तो बेसिकली अभी मेरा इंटरमीडिएट हुआ है जो कि मैंने मेडिकल वाले सब्जेक्ट्स में किया है, तो इंटरमीडिएट किया है, उसके बाद अब ये प्लान है कि कहीं अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है, या अभी देखो यूनिवर्सिटी वगैरह क्या सीन है। पहले मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी की लेकिन मैंने टेस्ट दिया नहीं क्योंकि प्लान चेंज हो गया था। तो अब इसका यहाँ जाने का सीन ये है कि बाबा कहते हैं कि जब तक कोई फैसला नहीं होता, जब तक नहीं कहीं आगे करना कुछ, तो तुम कोई कंप्यूटर वाली फील्ड ज्वाइन करो, कंप्यूटर का कोर्स वगैरह करो। तो इधर जाने का यही था, इनके कंप्यूटर वाले कोई कोर्सेज हैं आज़ाद चाय वाला इंस्टीट्यूट के, तो जैसे कि ये एडवांस कंप्यूटर, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। तो अब सोच रहे हैं कि जब तक नहीं कुछ होता तो कोई कंप्यूटर वाली फील्ड में जाऊं, कोई स्किल वगैरह सीख लें तब तक, क्योंकि बाहर जाके भी अगर जॉब शॉब आपने करनी होती है तो आपके पास स्किल हो तभी आप कुछ अच्छी जॉब कर सकते हो, नहीं तो वही बर्तन धो लो, सफाइयाँ कर लो, यही चीज़ें हैं रेस्टोरेंट वगैरह में। तो बस इसी वजह से करते हैं अब इंशाल्लाह कोई अच्छा फैसला, करते हैं कोई अच्छा कोर्स, देखता हूँ कि क्या करना है। तो
तो आज के व्लॉग को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद है तुम सबको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बस सारे दिन में यही घर के काम शाम होते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके।